सो फाइनली आज महिंद्रा की XUV700 का ग्लोबल डेब्यूट हो चुका है। सब कुछ जानेंगे क्या है क्या नहीं है। मेरा नाम है और आप लोग देख रहे हैं कार्स ड्राइव। सो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो महिंद्रा XUV700 का फर्स्ट इम्प्रेशन लगा लॉन्च इवेंट का, एला ग्रैंड बहुत ही फेबुलसली उन्होंने इवेंट किया और मजा ही आ गया। सीरियसली इतनी एक्साइटमेंट थी, एक्साइटमेंट जो है वो फुलफिल हो ऐसा कह सकते हैं। और सीरियसली देखने जाए तो इसकी डिजाइन जो है वो फेक फोटोज में जैसी नजर आ रही थी उससे तो काफी ज्यादा बेहतरीन लगी मुझे। और लुक्स फेबुलसली, मतलब कि क्या ही बात करें। जो ब्लू कलर लग रहा है काफी ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा है। तो बैकग्राउंड में मेरे ब्लू है वैसे ही वाला ब्लू आपको महिंद्रा XUV700 में देखने को मिल रहा है। इन टर्म्स ऑफ डिजाइन वाइज काफी ज्यादा मॉडर्न और अच्छी लगी, एजी सी है। स्लाइटली अगर हम बात करें तो पुरानी XUV700 की चीता इंस्पायर्ड डिजाइन जो है वहाँ पे से ये कंटिन्यू होती दिख रही है। तो यहाँ पे आपको और भी फीचर्स जो है वो देखने को मिलते हैं कंपेयर टू XUV500। सो अब जब हम फीचर्स की बात कर ही रहे हैं तो फीचर्स में आपको सबसे पहले तो जब आप एंटर होते हो कार में तो फ्लश डोर हैंडल्स देखने को मिलते हैं रेंज रोवर स्टाइल, जैसे कि टीजर में दिखाया गया था वैसे ही वाले जो है वो आपको देखने को मिलते हैं और काफ़ी बढ़िया दिखते हैं इन टर्म्स ऑफ लुक्स। आते हो गाड़ी के पास ये खुल जाते हैं ऑटोमेटिकली और जब आप लॉक कर देते हो तो ये खुलते ही नहीं है, जो काफ़ी सेफेस्ट ऑप्शन लगा मुझे। और देखने जाए जब आप डोर खोलते हो तब आपकी जो सीट होगी वो आपके हिसाब से एडजस्ट हुई आपको दिखेगी और इस तरह से आपको वेलकम ऑप्शन देखने को मिलेगा। और ऑफकोर्स पॉडल लैंप देखने को मिलेंगे, XUV500 में थे तो यहाँ पे भी कंटिन्यू हो गए। और देखने जाए तो सीट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी मुझे, लेदर अपोस्ट्री वाली है, वाइट कलर है जो मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद आता है। लोगों को ब्लैक आता है बट मुझे वाइट कलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि जो स्पेस होती है इंटीरियर की वो ज़्यादा रूमी दिखती है और आपको लगता नहीं है कि आप कार में बैठे हो, आप बाहर ही सोफे पे बैठे हो वैसे ही लगता है। तो ये एक अच्छी फील आपको देता है। और सीट जो है वो आपको देखने को मिलेगी वेंटिलेटेड, शायद से ऐसा लगता है क्योंकि कल जो टीजर आया था उसमें डॉट्स दिखाई दे गए थे, तो ये हो सकता है कि वेंटिलेटेड सीट्स हो बट इसमें अभी कन्फर्मेशन नहीं आया। बट ऑफकोर्स इसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट वाली सीट्स जो है वो देखने को मिल सकती है फॉर श्योर, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे टीजर वीडियो में ही दिखाया गया था कि आपको सीट्स जो है वो मूविंग है तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट वाली तो होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्लस और प्रीमियम फील देती है। और देखने जाए तो ऑल ओवरऑल इंटीरियर जो है उसमें सबसे मेन जो पार्ट आता है वो है इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो जॉइंट है स्पीडोमीटर के साथ, जैसे मर्सिडीज में देखने को मिलता है वैसे ही यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे 10.25 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है जो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और उसके अंदर आपको 60 कनेक्टेड कार फीचर्स देखने को मिलते हैं दोस्तों, जो आगे जाके और भी इन्हेंस होते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे ऐसा मुझे लगता है। और देखने जाए तो यहाँ पे आपको जिप जैप जूम करके 3 ड्राइविंग मोड्स देखने को मिलते हैं। जिप के अंदर सिटी मोड होगा जो फ्यूल एफिशिएंसी वाला होगा, फिर जैप जो है वो जिप और जूम का दोनों का बैलेंस होगा। और यहाँ पे देखने जाए तो पावर भी देखने को मिलेगी और एफिशिएंसी भी। और जो जूम मोड होगा वो स्पोर्टियर मोड होगा, जैसे आप प्लेन में बैठे हो वैसे ही आपको फील आएगी। जो इसमें ऑफर किए गए हैं 12 सोनी के 3D सराउंड स्पीकर्स, जो आप कॉन्सर्ट में बैठे हो वैसी वाली फील आएगी। फीचर्स की बात हो ही रही है तो सेफ्टी की बात कर लेते हैं। तो सेफ्टी में आपको एडस लेवल देखने को मिलता है जो काफ़ी सारी महंगी गाड़ियों में देखने को मिलता है, वो वाले फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलता है। एडस लेवल जो है वो एडवांस ड्राइविंग ऑटोनोमस सिस्टम जो है वो इसे कहते हैं। और ये काम ऐसा कुछ करता है कि जैसे ड्राइवर जो है उसकी जो ड्राइविंग सिस्टम जो है उसी पैटर्न में ये चलता है गाड़ी का पूरा सिस्टम। और यहाँ पे मान लो कि आप एक रास्ते पे चल रहे हो, आपके आगे वाली गाड़ी जो 80 की स्पीड में चल रही है आप 17 की स्पीड में चल रहे हो और वो अचानक से ब्रेक मारती है तो आपकी गाड़ी भी जो है वो अचानक से ब्रेक मारने लगेगी। तो ये आपको सारी चीज़ें ऑफर की गई है जिसमें 7 एयरबैग्स होगा और ये सारे फीचर्स जो है वो ऑफर किए गए हैं सेफ्टी के हिसाब से।
फिर ड्राइविंग डाउजीनेस फीचर हो गया, ये जब ड्राइवर सोने लगता है तब ड्राइवर को अलर्ट मिलता है एक्सयूवी 700 की तरफ से, फिर हेडलाइट्स जो है अंधेरे में चलते हो तो ऑटोमेटिकली जो थ्रो है वो आपको देखने को मिलता है, विजिबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर अगर आप हाई स्पीड में चलते हो हाईवेज पे तो आपका लव्ड वंस जो है आपकी मम्मी या आपका बेटा जो है एक वॉइस नोट मिलेगी रिकॉर्ड की हुई होगी तो कि आप धीरे चलाइए गाड़ी। तो ये सारे फीचर्स काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करते हैं इस कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे फीचर्स की बात तो कर ली है बट इंजन ऑप्शंस की बात नहीं की है। तो इंजन ऑप्शंस की बात करें तो आपको यहाँ पे दो इंजन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जो पहला ऑप्शन होगा वो डीजल वाला होगा, एम हॉक डीजल इंजन, इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन दिया गया है और कितने गियर्स होंगे वो बताया नहीं गया है, यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं हुआ है। और पेट्रोल इंजन के अंदर कौन सा गियर अवेलेबल होगा, कौन सा ट्रांसमिशन अवेलेबल होगा ये भी नहीं बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इतना कहा गया है कि 200 bhp की पावर और 380 nm ऑफ टॉर्क देखने को मिलने वाला है पेट्रोल इंजन के साथ, और डीजल इंजन के साथ आपको देखने को मिलने वाला है मैनुअल ट्रांसमिशन में 185 bhp की पावर और 420 nm ऑफ टॉर्क, और ऑटोमेटिक में आपको 450 nm ऑफ टॉर्क देखने को मिल जाता है। इसमें दो लाइनअप किए गए वेरियंट्स के अंदर, जो पहला लाइनअप है उसका नाम है एम हॉक एड्रीनोक्स डीजल इंजन, जो आपको तीन वेरिएंट्स के साथ देखने को मिलेंगे AX3, AX5, AX7। ये डीजल इंजन का ऑप्शन हो गया, और जो पेट्रोल इंजन है एड्रीनोक्स एम हॉक गैसोलिन इंजन, जिसके अंदर आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगा। महिंद्रा वालों ने ये भी कहा है कि हम और भी फीचर्स लाते जाएंगे आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर। हम आ जाते हैं कंक्लूजन पे, क्या आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए? तो मेरा कहना है कि अभी थोड़ा सा रुको और फीचर्स आने दो, बुकिंग्स तो ओपन नहीं हुए, सिर्फ वर्ल्ड डेब्यूट हुआ है, यहाँ पे सिर्फ गाड़ी दिखाई गई है, और भी फीचर्स आने वाले हैं, सो वेट फॉर इट। हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे, जब जब कुछ भी अपडेट्स आता रहेगा तो ऑटो न्यूज में भी कवर होगा और शॉर्ट्स में भी कवर होगा, सो डोंट वरी, हम आपको ऐसे ही अपग्रेड करते रहेंगे। तो बस इसी के साथ हम यहाँ पे अलविदा कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लिया करो दोस्तों, क्योंकि इतनी ज़्यादा एफर्ट लगती है एक वीडियो बनने में, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लोगे तो हमें और भी मोटिवेशन मिलेगी ऐसे वीडियोस लाने में, और फॉर श्योर हमारी तरफ से भी XUV700 आने वाली है बहुत ही जल्द, सो वेट फॉर इट। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए।